दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे 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 रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का, कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे 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 लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है, एक्सपर्ट्स का, कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को, इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। इस पे जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं वो अभी जब ऑर्डर आएगा उसमें पता चल जाएगा कि क्या क्या एहतियात वहाँ पे बरतनी है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते कोरोना फिर से बढ़ने ना लगे। अगर बीच में ऐसे लगता है कि कोरोना बढ़ने लग गया तो फिर हमें एक्टिविटीज़ खोलने की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से संबंधित जो भी एहतियात है उसको ज़रूर बरतें, दोनों चीज़ों के लिए, एक तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, और दूसरा ये कि सारे मिलके अगर कोविड की एहतियात बरतेंगे तभी दिल्ली के अंदर दो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लॉकडाउन खुलना चालू होगा। अगर कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा फिर से लॉकडाउन लगाने के लिए। हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगाना, हम लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल नहीं है और आप भी नहीं चाहते। लॉकडाउन कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मजबूरी में लगाना पड़ता है। और एक चीज़ कि जब तक ज़रूरत नहीं पड़े घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकलें। ये समय बहुत ही नाजुक समय है, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आचरण करना है,
ताकि हम सब मिलके अपनी दिल्ली को बचा सकें, अपने देश को बचा सकें।